थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज आई थिंक आपके पास ना मैं एक बहुत बिगिनर हूँ और मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, और आप इतनी इजीली समझा देती हैं कि यहाँ सबके क्वेश्चंस में मेरे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं. एंड एज ऑलवेज मैं जब भी आपको रात में भी बॉदर करती हूँ तो आप हमेशा एकदम ऑन पॉइंट आप मेरे को केटर कर लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ. अच्छा बाय द वे मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपकी सिखाए हुए जो स्पाइसेस एंड मसालास है, आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस संडे. मैं सोप के लिए तो बिगनर्स थी, अभी ऑनलाइन करने के लिए मतलब मैंने बहुत सारे कॉल किए, फेसबुक से आपका नंबर मिला आपको मुझे, लेकिन मुझे वो डर लग रहा था कि ऑनलाइन में सीख पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ भी नहीं मालूम है सोप के बारे में. मैंने स्टार्ट अभी से आपसे ही सीखा है पहले, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई. और मेरे जितने सवाल सब पूछते थे मुझे लगता था यार मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मेरे सारे सवाल भी क्लियर हो गए, क्वेश्चन सारे सबने पूछे तो मैं भी क्लियर हो गई, और बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के. अभी मैं सोचूंगी कि आगे के क्लास भी मैं करूंगी. एज यूजुअल आपने बहुत अच्छा लिया, सारी डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस थे वो उनका आंसर मिल गया है. आज मेरे ग्रुप पर एक दो तीन सॉप मैंने बनाए हैं बाय यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वो भी डाले हैं. और अभी मैंने सुना स्पाइसेस का भी सुना, बहुत अच्छा है. सो मैं अभी लालच मन में आ गया है, वो भी सीखूं आपसे, वो भी सीखूं. मेरे पास गोट मिल्क था अवेलेबल, इसलिए मुझे इच्छा हो गई कि गोट मिल्क बेस्ट सोप कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने ये सीखा सब. वाकई फिर गोट मिल्क ही नहीं, बाकी सब कुछ बेस्ट मुझे अच्छे लगे. मैंने एक दो ट्राई भी किए, इसमें थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट का और वो गोट का मिक्स हो गया टेम्परेचर के हिसाब से, वो अच्छा नहीं हुआ तो. लेकिन मैंने सीखा बहुत सारा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सब क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिल गए, बहुत अच्छा लगा. मैम मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मुझे लगा था जो यूट्यूब से मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगी. बेसिक चीजें थी मैम, जो मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, यूट्यूब पे हर किसी का मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो बेसिक मेजरमेंट हम अपना अगर बनाना चाहें तो वो हमने आपसे सीखा मैम. कैलकुलेशन कैसे सीखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे लिए. मेल्टन फोर बहुत आसान लग रहा है अभी करने के लिए मैम, उसमें डिजाइंस कैसे बनाने हैं वो सारी चीजें भी बहुत अच्छे से समझ गए मैम. अभी मुझे पहले सीएसडी के बारे में पता नहीं था, नेट से मैंने देखा और मुझे सोप मेकिंग सीखने का इंटरेस्ट था, तो मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया. मैंने बेस भी सीखने का ज्वाइन किया हुआ है, सीपी भी का भी अटेंड किया, मेल्टन फोर का भी, मतलब फुल कोर्स मैंने ज्वाइन किया एवरीडे वाला सोप मेकिंग का. एंड मुझे सबसे अच्छा एक तो आपका सिखाने का जो तरीका है दैट इज वंडरफुल, मतलब इतना इजी लैंग्वेज में आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी एक्सप्लेन कर देती है ना, कि वो बहुत इजी लगती है, कि बहुत इजी है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इजीली मेक कर लेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे किचन में जा रहे हैं मतलब इजीली सब चीजें हो जाएंगी. एक आपका तरीका बहुत अच्छा था, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मतलब उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछो आपकी टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है कि किसी भी चीज का, कि आपसे बात करनी है या कोई एनी अदर क्वेश्चन जो कुछ भी है. और आपने जितनी सिंपल वे में सब चीजें समझाई है ना, और शायद मतलब कहीं और से हम इतनी अच्छे से सीख नहीं पाते. वर्चुअली मैम मैं आपकी फैन हो गई हूँ, मतलब वर्चुअली आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, और जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि यंगस्टर्स को यंग लेडीज को आपने मतलब चीजों के बारे में समझाना है ताकि अपना ओन हाउस वो कुछ भी मतलब वेंचर कर सके या कुछ भी न्यू क्रिएट कर सके,